हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एक लंच रूटीन। और आज लंच में बनने वाली है कच्चे केले की कोफ्ता। उसका रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने कोशिश किया है बहुत इजी और आसान तरीके से बनाने का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी घर पर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा के बना सकें। तो इसके लिए जो मुझे सब्जी वगैरह काटना है, पहले मैं वो कर लूँगी। जो ये आलू और कच्चे केला है, उसको मुझे एक सीटी लगाने तक उबालना है, ताकि थोड़ा सा बॉयल हो जाए। ज़्यादा एकदम स्मैशी नहीं करना है, हल्का सा इसको उबाल देना है, क्योंकि कच्चे केला ऐसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बाकी जो मुझे चीज़ चाहिए, प्याज कर ली, उसको मैं पहले चॉप कर लेती हूँ। और ये आज का जो दिन है, थोड़ा सा लेजी डे है मेरे लिए। मुझे इतना ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, ज़्यादा कुछ मैं बनाऊँ या किचन में बनाऊँ, ज़्यादा देर तक रहूँ। तो मैंने ऐसे ही खाना चूज़ किया जो टेस्टी भी बने और जल्दी भी बन जाए, मुझे ज़्यादा सब्जी वगैरह का चॉपिंग ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते बाहर बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी। और देखिए, केला और आलू जो है वो अच्छे से उबाल गया है। जैसे आप लोगों ने देखा था, मैंने एक आलू लिया था और तीन केला लिया था। आलू भी जो मैं यूज़ कर रही थी इस बार, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। एक सीटी लगाने से अच्छे से एकदम पक जाता था, कुक हो जाता था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाइनल चॉप प्याज ले लिया है, साथ में ले लिया है मैंने हाथ से स्लाइसेस कर लिया था, थोड़ा सा गार्लिक के कोफ्ते वगैरह में ना गार्लिक प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लहसुन के मसाला है, उसमें से मैं ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा।
अब सबको मुझे अच्छे से मिला देना है। मैं यहाँ पे बोर्ड के मदद से इसको मिला ली हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, ताकि इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग हो। आप इसमें बेसन मत मिलाइए, क्योंकि क्या होता है ना, बेसन का एक खुद का एक टेस्ट होता है, लेकिन जो कॉर्नफ्लावर है उसका टेस्ट नहीं होता है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। कोई भी चीज़ को ये बाइंडिंग करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है और कोई टेस्ट भी नहीं छोड़ता है अपना। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल में आज डीप फ्राई कर रही हूँ कोफ्ते को, तो इसके लिए मैंने तेल ले लिया। और देखिए बिना बेसन का कितना अच्छे से बाइंडिंग होता है। एक्चुअली कच्चे केला और आलू में ना अच्छे सा बाइंडिंग पावर होता है, वो कोई भी चीज़ को अच्छे से बाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस एक कोफ्ते में ज़्यादा बेसन वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाई अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। और पकौड़ी जब आप गैस पे ऐसे ही छोड़ेंगे तो उसके लिए क्या होना, जो गैस का फ्लेम है उसको थोड़ा सा स्लो आंच पे रखना है। और जब आप पकौड़ी पूरा दे देंगे तो गैस को तेज आंच पे करिए। और जैसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इस स्टेज में, तो गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम तेज रखिए। हल्का हाथ से मैंने यहाँ पर चला दिया ताकि नीचे से चिपके ना। अब देखिए ये दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोर्क की मदद से, ये थोड़ा सा चिपक रहा था एक दूसरे से, तो मैं हल्का हाथ से उसको मैं छुड़ा रही थी एक दूसरे से। और ये भी काफी अच्छा टेस्ट देता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करते रहूंगी कच्चे केले की डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज। तो ये बिल्कुल हो चुका है, गोल्डन कलर भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था ये पकौड़े, तो उसको मैं निकालूंगी फ्लेम में। और जैसे मैंने इसमें तेज आंच में बनाया तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी था, अंदर से सॉफ्ट था। और उतना कुछ मसाला मैंने मिलाया नहीं था, तो उतना ऐसा कुछ नहीं था कि ये कच्चा रहेगा अंदर से। तो जब तक ये दूसरा बैच पकौड़ा का बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे चला रही हूँ मेरा राइस। आज मैं घी राइस बना रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम घी ले लिया है, देसी घी, और थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है इसमें। और ऐड कर रही हूँ हैंडफुल ऑफ काजू, इसमें आप तेज पत्ता या ब्लैक कार्डमम जो होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं, वैसे नहीं ऐड कर दिया। और साथ में थोड़ा सा किशमिश ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स पुलाव क्या होता है ना, हल्का सा मीठा होता है, ज़्यादा तो मीठा नहीं, हल्का सा मीठापन होता है। तो काजू किशमिश को थोड़ा सा धीमी फ्राई करने के बाद जो बासमती राइस होता है, यहाँ पे लिया इंडिया गेट का बासमती राइस, जिससे हम बिरयानी बनाते हैं वो। और पुलाव बनाने का एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी आप पुलाव बनाते हैं ऐसे तो जो चावल से पानी को अच्छे से निकाल लीजिए, फिर चावल को डाल दीजिए घी में और थोड़ा देर के भूनिए घी के साथ चावल को। तो मैं अभी इसको 1 मिनट तक ऐसे भूनूंगी, और जो गैस का फ्लेम है उसको रखना है लो पे, नहीं तो चावल एकदम चिपक जाएगा नीचे से। थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा पानी होगा ना चावल में, उसको कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सुखाने के लिए। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा चीनी इसमें। अब आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी पानी है नहीं चावल में, बिल्कुल ड्राई हो गया है ये चावल। और कोशिश कीजिएगा कोई सिलिकन वाला स्पैचुला हो या लकड़ी वाला स्पैचुला उससे चलाने के लिए, क्योंकि स्टील वाला काफ़ी हार्ड होता है, उससे अगर चावल को चलाएंगे तो चावल टूट सकता है स्टार्टिंग में। तो मैंने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा चीनी, सबको मिलाने के बाद जितना मैंने चावल लिया है उसे, एक कटोरा अगर आप चावल लेते हो तो 1.5 कटोरा पानी इसमें मिलाइए, क्योंकि मैंने चावल को प्रीसोक नहीं किया था। अगर आप चावल को प्रीसोक करते हैं तो सेम क्वांटिटी में पानी मिलाइए और 1 सीटी लगने तक उसको पकाइए। तो यहाँ पे पकौड़ा बन चुका, तो मैंने तेल थोड़ा सा कम कर लिया है और मैंने ऐड कर दिया है जीरा, फिर ऐड कर रही हूँ मैं हींग। चावल हल्का सा मीठापन रहेगा तो मैंने कोशिश किया जो करी में मिलाऊंगी कोफ्ता करी, उसमें मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँ ताकि दोनों में अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो। तो मैंने जिंजर गार्लिक इसमें कूट लिया है, उसको डाल दिया है मैंने तेल में। अब देखिए 1 सीटी लग चुका है मेरा चावल में। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक को मैंने फ्राई कर लिया है तेल में। इसके बाद जो चॉप किया हुआ प्याज है उसको मैं डाल रही हूँ।
आप प्याज का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास चॉपर है तो मैंने एकदम फाइनली चॉप किया था, अच्छे से मिल गया था प्याज बाद में। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 2 टोमेटोस जिसका मैंने प्यूरी बना लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। सबको अच्छे से मिला लेना है। टमाटर गला हुआ है टमाटर, इसमें मैंने पेस्ट लिया है तो अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ जो रूटीन के मसाले हैं वो। यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने आज ऐड किया है इसमें, और ऐड कर दिया है मैंने जीरा पाउडर। सबको अच्छे से मिला लिया है। और जो ये मसाला है मुझको इसको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक जो तेल है अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। अब जब करी ऐसे बनाते हैं तो मैं एक टिप्स दूंगी कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम हाई फ्लेम में रखिए और ऐसे ही चलाते रहिए और भूनते रहिए। आप देखिएगा बहुत ही यम्मी बनता है करी। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, मैंने ढका नहीं इसमें, थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद मैं इसको ढक दूंगी और जो गैस का फ्लेम एकदम लो में रखना है अभी। अब देखिए 5 मिनट्स बाद ये जो तेल है कितना अच्छे से ऊपर आ गया है, आप देख के लग रहा है जो मसाला है अच्छे से भुन चुका है प्याज टमाटर में। अब इसका थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है देखिए। बस अब जो कोफ्ते के लिए करी है ये बन के रहती है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे जितना कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी का उतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये टोमेटो भी एकदम रेड था तो बहुत अच्छा कलर आया है। अब 10 मिनट्स बाद ये जो है इसमें अच्छे से उबाला गया, मतलब पानी जो है ये अच्छे से मिल चुका है सारे चीज़ में। मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है धनिया पत्ता। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और जो कोफ्ता है उसको मैं इसमें डाल दिया। डाल देने के बाद गैस को तुरंत बंद कर देना है। कभी भी कोफ्ता करी जब बनाएंगे उसके कोफ्ता को डाल के कभी भी उबालना नहीं जाता है करी को, कि कोफ्ता ऐसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर आप उबालेंगे तो एकदम स्मशी हो जाएगा। और ये जो मेरा राइस है ये बन के रेडी है। मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर दिया था इसमें।
फ्रेंड्स, आज मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लाइक आप लोगों को सबको पता है कि बाहर का हालत कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है कोरोना वायरस के लिए। हम लोग यही कोशिश के इस बार के पता नहीं कब क्या हो जाए बाहर, तो दुकान वगैरह भी कब बंद हो जाए, इसके लिए हम लोग ने थोड़ा सा ये काम किया है कि जो राशन होता है घर का, हम लोग 2 मंथ्स के लिए स्टॉक कर ली है घर पे। यहाँ पे दाल आटा ले लिया है और ले लिया मखाना, क्योंकि मखाना जो है ये अगर आपके घर पे बच्चे तो बहुत ज़रूरी होता है। मखाना हाई प्रोटीन होता है और बहुत जल्दी बन जाती है स्नैक्स, तो ये सब हम लोगों ने स्टॉक कर लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा नमकीन ले लिया है हम लोगों के लिए, ताकि स्नैक्स के लिए कुछ हो घर पे। एक्चुअली क्या हुआ, कल नीतीश गए थे जो चावल है वो लाने के लिए। चावल एक है मार्केट यहाँ पे, वहाँ से हम लोग लाते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है क्योंकि जो चावल का कट्टा होता है वो लेके आते हैं। तो जब वो लेके आए थे उसके नेक्स्ट दिन ही वो मार्केट बंद हो गया था कोरोना वायरस के लिए। तो ये सब सामान वहीं से आया है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग वहाँ से लेके कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है वहाँ से ले आने से। तो यहाँ पे डेट्स, ये जो डेट्स है ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई किए हैं, यहाँ का तो नहीं, इम्पोर्टेड है ये। खाने में ठीक था, उतना ज़्यादा खास नहीं था। मायरा के मैं हर दिन डेट्स देती हूँ, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने ये कोशिश किया है कि 2 महीने का आपके स्टॉक बना लें और थोड़ा सा नमकीन का भी स्टॉक बना लिया, ताकि घर पे कुछ ना हो। तो आप शाम के नाश्ता में मूढ़ी जो है भेलपूरी बना सकते हैं नमकीन के साथ। और यहाँ पे चीनी भी हम लोग थोड़ा सा 5 किलो ले आए थे, क्योंकि चीनी जो है हम लोग चाय में चीनी पीते हैं और खीर वगैरह तो मैं बनाते रहती हूँ। लेकिन ऐसा हम लोग कोशिश नहीं की कि बहुत ही ज़्यादा सामान लेके पाइलअप कर देना है घर को। दूसरों का भी ख्याल रखना है हम लोग को, तो इतना सामान नहीं लाना है कि ताकि दूसरों के लिए कुछ बचे ही ना, दूसरों के लिए छोड़ के सामान थोड़ा सा लाना है। 2 मंथ्स का आई थिंक काफ़ी है, ऐसा मत कीजिएगा कि 6 मंथ का सामान हम लेके आइए मार्केट से ढेर सारा, तो दूसरों के लिए कुछ बाकी ना हो। वैसे आज सुबह धूप भी यहाँ पे एकदम नहीं मिल रहा था, कभी कभी मैंने ये कोशिश किया कि अपनी फैमिली के थोड़ा सा स्टॉक अप कर लूँ एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, ताकि बाहर कुछ ना हो। तो कुछ एटलीस्ट है हमारे घर पे बेसिक चीज़ें, चावल दाल नमकीन ये सब है, जिससे आप बिना सब्जी के भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो चावल का कट्टा मैंने बताया था, ये हम लोग 1 लेके आते हैं, पर इस बार 2 लेके आए। ये चीज़ भी मैंने थोड़ा सा स्टॉक कर लिया है, जो पापड़ होता है ड्राई वाला, इसको तेल में आप फ्राई कर सकते हैं। दाल चावल और पापड़ के साथ भी एक अच्छा लंच बन सकते हैं अगर आपके पास कोई सब्जी वगैरह नहीं हो। और यहाँ पे कुछ पापड़ है जो मेरे पास पहले से था, ये मेरे इन लॉज से आए हैं, ये होम हैंडमेड पापड़ है, मेरे मदर इन लॉ बना के दिए थे जब लास्ट टाइम ये लोग आए थे तब। और ये दनोरी है, इसमें तेल फ्लेक्सिड वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ये सारे हैंडमेड हैं। और ये जो है शोरेक है, शोरेक के ऊपर है, ये मेन डोर के एकदम सामने है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है एक सैनिटाइज़र। इससे क्या होगा, कोई भी बाहर से आएगा पहले आप हैंड को सैनिटाइज करिए, कोई भी कोरियर कोई भी चीज़ आप रिसीव करें तुरंत उसके बाद हम लोग सैनिटाइज करते हैं हाथ को। इनफैक्ट जब मेरी मेड्स आती है ऑलवेज आस्क करके बाहर से आने के बाद पहले हाथ को सैनिटाइज करें। और एक चीज़ जो ज़रूरी है, अपना हैंड वॉश करें, हैंड वॉश से कि सैनिटाइजर पूरा हाथ में तो नहीं लगा सकते। और एक चीज़, हाथ धोने के टाइम ऐसा नहीं करना है कि पूरा टैप को चला लेना है, पानी का ढेर सारा वेस्ट करना है, नहीं। आप टैप को बंद कर सकते हैं जब हाथ आप धोते हैं, उस टाइम तो पानी की ज़रूरत नहीं होता है। एक चीज़ ऑलरेडी क्राइसिस है हमारे दुनिया में, उसके लिए हम दूसरे चीज़ का क्राइसिस नहीं कर सकते, जो पानी का वेस्ट भी नहीं करना है हम लोगों को। तो अच्छे से जितना भी आपका हाथ खुला रहे उतना पूरा धो लीजिए, क्योंकि हाथ फेस और जो लेग है हमारे फीट वो ज़्यादा एक्सपोज होता है एयर से। तो कोशिश कीजिएगा अपने पैर और हाथ को अच्छे, जितना ओपन आपका हाथ है उतना अच्छे से धोने के बाद उसको पोंछ लीजिए अच्छे से। कपड़े को चेंज करना ही है बाहर से आने के बाद। वैसे सब तो डरे हुए हैं यहाँ पे, बट ज़्यादा नहीं रहना है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा जितना पॉसिबल है इंडोर में रहें, और बाहर कोई भी इंसान जाएगा उनके बाद हाथ को तुरंत सैनिटाइज करिए, कपड़ा जो है उसको चेंज करिए, अपने शूज से उसको तुरंत हटा के रखिए घर से। आई होप ये छोटा छोटा स्टेप बहुत ज़रूरी है हम लोगों को अभी प्रिकॉशन लेने के लिए।
और एक चीज़ जो मैंने ऐड किया है मेरे फैमिली के लिए है वो है वी हैव स्टार्टेड टू टेकिंग मल्टी विटामिन्स. ये जो है ये फॉर मेन है वाइटल. आई थिंक वी इंडियंस वी आर वेरी फैमिलियर टू दिस मेडिसिन वाइटल. ये लेने के लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसको ले सकते हैं. ये मैंने ऐड किया है मेरे हस्बैंड के लिए और जो ये वीमन वाला है ये मैंने अपने लिए ऐड किया है. हर दिन हम लोग लेते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट. इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा. और ये मैं अपनी बेबी को देती हूँ, मायरा को. ये जो मायरा का मल्टी विटामिन है ये डॉक्टर ने दिया था, तो आप लोग भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा बच्चे को दवाई खिलाने के पहले. और जो है अगर आप लोगों को दवाई नहीं लेना है तो मैंने अभी एक स्क्रीन शॉट ऐड कर दिया है. कुछ फूड्स जो होता है विटामिन सी रिच फूड, अगर वो आप लोग अपने डाइट पे ऐड करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपके इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने में हेल्प करेगा. और एक चीज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है. जितना हो सके आप प्रिकॉशन करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो मैं करती हूँ वीडियो को ही पर एंड, बहुत जल्दी मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना. बाय बाय दोस्त, जय हिंद.